हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर एट ऑफ जनवरी 2021 थाउजेंड जनवरी 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमने यूपीएससी करंट अफेयर्स की रिवीज़न सीरीज स्टार्ट की है फॉर द ईयर 2021 2021 के लिए तो जिनको भी आपको लगता है कि करंट अफेयर्स आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है वो निश्चिंत होकर के ये सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं वी विल बी बिकम्प्लीटिंग एवरीथिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन दिस रिविजन सीरीज करंट अफेयर्स के पार्ट से और जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टार्टिक पोर्शन होगा वो भी हम देखेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड स्टार्टिक पोर्शन हम देखेंगे ठीक है ना इसके साथ ही इसमें इकोनॉमिक सर्वे का जस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्लस आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे सो दैट इज फ्रॉम माई साइड एंड यू शुड जिसको भी ऐसा लगता है कि वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं है एंड from the फ्रॉम द लिंक्स the इन डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो शुरू करते हैं आज का न्यूज एनालिसिस पहले सवालों को देखते हैं जिनके जवाब आपको देने हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया रिपोर्ट ऑन एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है तो इट इज द इंडियाटूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया स्टेटमेंट वन कह रहा है इट इज अ फुल टाइम फुल स्केल नेशनल सर्वे ऑन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक एंड सोशल डिटर्मिनेंस एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एजिंग इन इंडिया तो स्टेटमेंट वन आप देख लीजिए दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द स्टडी वॉज अंडरटेकन बाय द नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एलडरली याद रखेगा की स्टेटमेंट uh, टू तो कह रहा है की इट इज अंडरटेकन बाय द नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली विच अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है वन टू बोथ लेट मी टेल यू आंसर फॉर दिस इसका आंसर होगा सी यानी कि बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट ये फुल स्केल नेशनल सर्वे है ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑन हेल्थ इकोनॉमिक एंड सोशल डिटर्मिनेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन एजिंग तो पॉपुलेशन एजिंग के कॉन्सिक्वेंसेज से लेकर के हेल्थ इकोनॉमिक एंड सोशल डिटर्मिनेट का ये फुल स्केल सर्वे होता है और दूसरा ये कंडक्ट कौन कराता है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली इसी के अंतर्गत इसको इसको किया जाता है तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है पहला भी सही है बोथ विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टू है नेताजी सुभाष चंद्र बोस होस्टेड द ट्राई कलर नेशनल फ्लैग एट पोर्ट ब्लेयर इन 1943 थ्री स्टेटमेंट वन है तो देखो जैसे पहला स्टेटमेंट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने होस्ट किया था ट्राई कलर नेशनल फ्लैग इन पोर्ट ब्लेयर इन नाइनटीन ये बिल्कुल सही है दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट टू जो है वो गलत है क्यों क्योंकि इंडिया ने बाईस जुलाई ट्वेंटी जुलाई नाइनटीन

फॉर लिक्विड वॉटर टू एग्जिट ऑन द सर्फेस ऑफ सराउंडिंग प्लान मतलब हैबिटेबल जोन जो कि अराउंड स्टार रहती है इट इज नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड फॉर लिक्विड वॉटर टू एक्जिस्ट इसको बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन दूसरा है अर्थ इज इन द सन्स गोल्डी लॉक जोन तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, है यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है क्योंकि अर्थ जो है वो आ, सन के गोल्डी लॉक जोन में आता है सन खुद एक अपने आप में स्टार है ये आपको पता होना चाहिए सो बोथ विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम टूडे आगे मूव करते हैं क्या इंडियन रेलवे डेवलपमेंट पोर्टल फ्रीट पहले मैंने आपको था जैसे एक होता है आपका पैसेंजर ये पैसेंजर गाड़ी सवारी गाड़ी बोलते हैं इसको और दूसरा होता है माल गाड़ी बोलते हैं जैसे ना जिसमें फ्रीट जाता है तो माल गाड़ी एक्चुअली ना याद रखेगा जिसमें माल जाता है सो द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज दिस बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल इसको हम फ्री बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल बोलते हैं जिसको कि डेवलप किया गया है एंड इसका एम क्या है बेसिकली टू प्रमोट एंड डेवलप द रेलवेज बिजनेस तो इंडियन रेलवेज का जो फ्री बिजनेस है उसको डेवलप करने के लिए उसको प्रमोट करने के लिए फ्री बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल बनाया गया है ठीक है ना अब इस पोर्टल के अंतर्गत क्या क्या है कि इंश्योर ऑल ऑपरेशंस आर स्टेइंग कस्टमर सेंट्रिक रिड्यूज द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रैकिंग फैसिलिटीज मतलब इसमें क्या होगा कि जैसे इसकी कॉस्ट थोड़ा कम करने की कोशिश की गई है देन इसके बाद यह देखा गया कि ऑनलाइन ट्रैकिंग पॉसिबल हो सके दैन इसके बाद देखा गया कि कस्टमर सेंट्रिक बन के रहे हैं ना सो इट एम्स टू रिप्लेस ऑल द फिजिकल प्रोसेस विद ऑनलाइन वंस एंड टू मिनिमाइज द नीड ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन इंट्रैक्शन तो ह्यूमन टू ह्यूमन इंट्रैक्शन को कम से कम करना है एंड इसके अलावा जो चीज़ें हैं उसको ऑनलाइन ले जाना है ठीक है ना तो बेसिकली दीज आर द एम्स ऑफ दिस ठीक है इसको याद रखेगा Second, जो न्यूज है वो है द ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल है अब ये ऑपरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत तो इसने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया है विद अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम टू ट्राई फूड पार्क इन मध्य प्रदेश तो अगर आपसे कोई पूछे कि ट्राई फूड पार्क कहां पर आया है ट्राई फूड पार्क कहां पर आया तो ये आया है आपका मध्य प्रदेश में और ट्राईफेड और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम इन दोनों ने मिलकर के इसको सेटअप किया है अब एक्चुअली में ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है मैंने आपको बता दिया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का ट्राइफेड का और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का इट वॉज लॉन्च अंडर द दंधन योजना वंधन योजना के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था एंड दिस ट्राई फूड पार्क आर बेसिकली फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स ये जो ट्राई फूड पार्क है ना ये बेसिकली है क्या ये है एक फूड प्रोसेसिंग सेंटर है एंड दे विल एम टू प्रमोट द वैल्यू एडिशन टू द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस तो वैल्यू एडिशन करने का बेसिकली इनका काम है टू द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर

ट्राइबल्स के वेलफेयर के लिए स्टार्ट की गई थी वन धन योजना तो वन धन योजना के अंतर्गत ये वन धन केंद्र रहते हैं वन धन केंद्र बेसिकली क्या होता है ट्राई फूड पार्क जो है इट विल प्रोक्योर द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द वधन केंद्राज ठीक है ना तो ये जो ट्राई फूड है इट विल प्रोक्योर द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द वधन केंद्राज फिर उसको प्रोसेस करेंगे एंड दे विल बी देन सोल्ड अक्रॉस द कंट्री थ्रू द ट्राइबल टू द ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स तो ट्राइब्स इंडिया के जो आउटलेट्स हैं उनके थ्रू फिर वो जो कंप्लीट फाइनली प्रोसेस्ड फूड आइटम वो फिर बेचा जाएगा ठीक है ना, तो बैस बेसिकली दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ ट्राई फूड और ट्राई फूड पार्क कहां पर ओपन किया गया है ओपन किया गया है आपके ये मध्यप्रदेश में ठीक है आगे मूव करते हैं द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द फूड प्राइस इंडेक्स एक्चुअली मैं आज की न्यूज में भी है ये फूड प्राइस इंडेक्स मैं वहां आपको बता दूंगा लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि फूड प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है तो उसको याद रखिएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन निकालता है ठीक है ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज दिस फूड प्राइस इंडेक्स और अभी आया भी आज न्यूज में तो वहां हम डिस्कस करेंगे डिटेल में फिर आई ने रिलीज की है रिसेंटली एक रिपोर्ट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ट्वेंटी ट्वेंटी या फिर स्टेटमेंट तो ऑन

अराउंड ट्वेल्व आउट ऑफ फिफ्टीन वार्मेस्ट ईयर वन वर बिटवीन टू थाउजेंड सिक्स टू टू थाउजेंड ट्वेंटी दो हजार छह से दो हजार बीस के बीच में फिफ्टीन वार्मेस्ट ईयर जो थे वो दो हजार छह से दो हजार बीस के बीच में थे ठीक है ना और uh, मतलब अभी अगर हम देखा जाए तो ये जो दो हजार दस से दो हजार बीस का डिकेट था इट वॉज द वॉर्मेस्ट डिकेट यह भी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द पास्ट डिकेट यानी कि टू थाउजेंड टेन टूज ट्वेंटी वॉज द वॉर्मेस्ट डिकेट ऑन रिकॉर्ड एंड द रेनफॉलो थी वो भी थोड़ा बड़ी थी लेकिन इट वॉज द वॉर्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड तो ये भी आप याद रख सकते हैं जो बाइडेन विंस कंफर्म्ड विन कंफर्मड अमिड प्रो ट्रम्प ट्रम्प मॉब एक्चुअली हुआ क्या था कि आप सबको पता है कि जॉर्जिया के कुछ इलेक्शन का रिजल्ट आना बाकी था क्योंकि पहले में काउंटिंग क्वैश uh, कर दी गई थी और दोबारा वहां पर इलेक्शन किया गया था तो उसकी काउंटिंग चल रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने कैपिटल हिल बेसिकली जो वाशिंगटन उनका स्टेट कैपिटल है वहां पर जाकर के थोड़ा राइट किया और अटैक कर दिया था एक्चुअली दिस वॉज अ ब्लैक डे फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको लोग इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कर दिखाते हैं कि भैया अमेरिका जाओ गो अमेरिका अमेरिका इंडिया में भी कई लोग हैं जो बोलते हैं अरे हमारा इंडिया तो बेकार है अमेरिका अच्छा है कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि हमको तो अमेरिका चले जाना हमको तो इंडिया में रहना ही नहीं है है ना तो वो सारी चीज़ें एक तरफ और यहाँ पर देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा एडवांस स्टेज पर आने के बाद भी इतना सेवनटीन के आस उसके बाद इनको सेवनटीन में ही आज़ादी और ये सब चीज़ें मिल गई थी सब राइट्स मिल गए थे और उसके लगभग डेढ़ सौ साल बाद हमको मिला मतलब 1947 में हमको मिला Uh, डेढ़ सौ से ज्यादा है आई थिंक तो हम आज भी एटलीस्ट इतना हार्श ट्रांजिशन ऑफ पावर नहीं होता यहाँ पे इंडिया में आज भी इतना हार्श ट्रांजिशन ऑफ पावर नहीं है कि संसद पे लोग हमला करने चले जाए है ना इट डज नॉट हैपन इन इंडिया एटलीस्ट वी आर टू गुड इन दैट एस्पेक्ट एंड अमेरिका में देखो तो कैपिटल हिल जो वहां पर स्टेट कैपिटल है कैपिटल हिल वहां पर इस तरीके से अटैक हुआ एक महिला की मौत भी हो गई उसको तो गोली लग गई है ना तो सारी चीजें जो थी इट वॉज अ ब्लैक डे फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ठीक है ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रंप सपोर्टर्स

आगे मूव करते हैं एडिटोरियल में आज सारे एडिटोरियल जो है वो यूएसए पर हैं जैसे कि फ्रूट्स ऑफ इंसाइटमेंट कैपिटल हिल रीडिंग हैना आर्डेंट इन जो बाइडेंस ये अन तीसरा जो है देखो हैजेमोनी अन अपेंडेड uh, by अ फ्रेंकस्टीन घोस्ट ऑफ फ्रेंकस्टीन बोलते हैं ना वो तो ये तीनों आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू फ्लू इन फुल फ्लाइट ये हम जरूर देखेंगे क्योंकि ये एवियन फ्लू पे है इट मस्ट बी स्टॉप्ड बिफोर द सस्टेनेबल ट्रांसमिशन अमंग द ह्यूमंस सकर तो यहाँ पर ऑथर ने यह है कहा है कि एवियन फ्लू को स्टॉप करना जरूरी है बिफोर इसके पहले कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन करना शुरू कर दिया एक्चुअली में वैसे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रेयर होता है एवियन फ्लू के केस में रेयर होता है आप देखो एक्चुअली पहले थोड़ा सा फैक्ट लिख लो कि इस बार जो दो स्ट्रेन है बेसिकली जो एवियन फ्लू के जो जो कि परेशान कर रहे हैं वो एच फाइव एन एट और एच फाइव एन वन मैंने आपको बताया था एच फाइव एन वन का मतलब क्या होता है एच फाइव एन वन का मतलब होता है एच ए के फाइव और एन ए के वन और दूसरा है एच फाइव एन एट तो उसका एच फाइव एन एट का मतलब क्या होता है एच ए के फाइव or NAK8. So this is the thing which you should remember regarding this hai na? अब यहाँ पर जो रिपोर्ट हुआ है वो राजस्थान मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश केरला हिमाचल प्रदेश के पोंग डैम लेक में मैंने आपको बताया था कि पोंग डैम में काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल डिसीज सेंटर है वो आपका भोपाल में ही है है ना भोपाल में ही है ना कल मैंने आपको बताया था नीसाद जो है आपका वो एनिमल डिसीज सेंटर्स है तो वो आपका भोपाल में ही है काफ़ी ज़्यादा वहाँ टेस्टिंग हुई है फिर थाउजेंड्स ऑफ पोल्ट्री वर्ल्ड है डाइड इन हरियाणा है ना हरियाणा में भी हुआ है झारखंड एंड गुजरात में भी देखने को मिला है केरला में तो मिला ही मिला है है ना दीज आर द टू सब टाइप्स एच फाइव एन वन और एच फाइव एन एट जो कि देखने को मिले हैं एंड माइग्रेटरी बर्ड्स में काफी ज्यादा देखने को मिला है अप्रॉक्सिमेटली 2000 माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हुई है है ना तो ये सारी चीजें हमको ये थोड़ा फैक्ट्स बेसिक बता दिया Now, दूसरे स्टेट्स भी काफी विजिलेंट हो गए जहां पे केसेस नहीं आए वो भी विजिलेंट है है ना इसको याद रखेगा एंड इंडिया ने अपना नेशनल इन्फ, एवियन इन्फ्लुएंजा प्लान लेकर के आया था 2015 में तो ये भी लिख लो कि देखो यहां पे लिखा है एज पर ये देखो इन अट टू स्टॉप द स्प्रेड

रिस्क लग रहा है या वो लग रहा है तो फिर आप तुरंत उसकी कलिंग या ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दो ठीक है ना अब हुआ ऑथर ने ये बोला है कि बेसिकली ये वर्ड टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जरूर अमूमन इसमें रेयर होता है बट अगर एक बार हो गया और उसके बाद ये म्यूटेट uh, कर गया तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये फिर एक पैंडेमिक की तरह एवियन इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक भी फैल जाएगा इसलिए हमको इसको प्रिवेंट करना है ऐसा ना हो कि दो अब एवियन इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक में कन्वर्ट हो जाए तो दिस इज वॉट हैज सेट बाय द उसको एलिमिनेट करने के लिए एफर्ट्स लगाने की जरूरत है आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिसको हमको डिस्कस करना है यू कैन मूव विद मी यहां पे देखो तेलंगाना हाई कोर्ट गेट्स फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस तो तेलंगाना हाई कोर्ट को पहली वुमेन चीफ जस्टिस मिल गई है जस्टिस हीमा कोहली वॉ सॉन इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट याद रखिएगा हीमा कोहली रिमेंबर द नेम कोहली शी इज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द तेलंगाना हाईकोर्ट फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द तेलंगाना हाईकोर्ट जीडीपी लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट बाई सेवन पॉइंट सेवन परसेंट दिस फिजकल इन दिस एज वॉट द गवर्नमेंट सेट तो जी डी पी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई है बाई सेवन पॉइंट लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी बाई सेवन पॉइंट सेवन परसेंट दिस फिकल ठीक है ना दिस फिजकल इंडियाज रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जी डी पी में कॉन्ट्रैक्ट बाय सेवन पॉइंट सेवन परसेंट एंड फोर पॉइंट टू परसेंट तो रियल जी डी पी में कॉन्ट्रैक्ट बाय सेवन पॉइंट सेवन परसेंट एंड नॉमिनल बाय फो पॉइंट टू परसेंट एक्चुअली क्या होता है कि नॉमिनल जीडीपी जो रहती है नॉमिनल जीडीपी जो रहती है वो करंट प्राइजेस रहते हैं नॉमिनल जी डीपी इज बाय करंट प्राइजेस देखो मैं सिंपल सी बात बता दूं अगर आपकी इकॉनमी में सिर्फ बिस्किट्स बिक रही है अगर आपकी इकॉनमी में सिर्फ बिस्किट्स बिक रहे हैं और एक बिस्किट के पैकेट की कीमत पांच रुपए है और पांच पैकेट आपने टोटल बिस्किट बनाए तो आपकी जो इकॉनमी का जीडीपी रहे रहेगा वो फाइव इंटू फाइव यानी कि ट्वेंटी फाइव रुपीज़ हो जाएगा ट्वेंटी फाइव रुपीज़ अब ये फाइव रुपीज़ तो करंट प्राइसेस था तो ये करंट प्राइसेस पे जब आपने निकाला तो ये नॉमिनल जीडीपी कहलाया आपके इकोनॉमी का आप सपोज बेस ईयर आपका तीन साल पहले का था उस साल आपके बिस्किट्स की प्राइस तीन थी तो पाँच फाइव आपका जो थ्री पे जीडीपी आएगा तो मतलब और आपका नॉमिनल जीडीपी होता है मतलब की जो करंट प्राइजेस रहे ठीक है ना तो इससे क्या होता है कि जो कर... इसमें क्या इंफ्लेशन को जब आप एडजस्ट कर देते हो नॉमिनल जीडीपी से तो आपका रियल जीडीपी आपको मिल जाता है तो ये आप याद रखेगा और इंडिया की इकोनॉमी के इस समय दो ही सेक्टर हैं जो ठीक ठाक काम कर रहे हैं पहला तो आपका एग्रीकल्चर है एंड दूसरा आपका इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई है ठीक है ना तो एंड अदर यूटिलिटी सर्विसज है टू पॉइंट सेवन ग्रो कर रही हैं अदरवाइज अगर आप कम्युनिकेशन रिलेटेड सर्विसेज देखें ब्रॉडकास्टिंग की देखें कंस्ट्रक्शन की देखें माइनिंग क्वेरिंग की देखें मैनुफैक्चरिंग की देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि इसका माइनिंग क्वेरिंग मैनुफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ये सारे डिक्लाइन करके गए हैं ठीक है ना ये सारे डिक्लाइन किए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस एंड अदर सर्विस

बिग बूस्ट प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है एक नया 1.5 पॉइंट फाइव किलोमीटर लॉन्ग इलेक्ट्रीफाइड कंटेनर ट्रेन को रिलीज किया है ठीक है वर्ल्ड की पहली वन पॉइंट फाइव किलोमीटर लॉन्ग इलेक्ट्रीफाइड याद रखेगा वर्ल्ड की पहली 1.5 किलोमीटर लॉन्ग इलेक्ट्रीफाइड कंटेनर ट्रेन को रिलीज किया है प्राइम मिनिस्टर ने यह रिवाड़ी से न्यू मदार सेक्शन ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लिट कॉरिडोर के अंतर्गत फ्लैग ऑफ की गई है तो yeah, so, नरेंद्र मोदी जी हैज लॉन्च दिस रिवारी टू न्यू मदार सेक्शन ऑफ द दे वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीड कॉरिडोर की रिवारी से लेकर के न्यू मदार सेक्शन के बीच में ये फ्लैग ऑफ की गई है वर्ल्ड फर्स्ट वन किलोमीटर लॉन्ग इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन वर्ल्ड की पहली वन किलोमीटर लॉन्ग इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को लॉन्च किया गया ठीक है ना

जो कमेटी थी वो थी नेशनल टेक्निकल बोर्ड ऑन न्यूट्रिशन तो नेशनल टेक्निकल बोर्ड ऑन न्यूट्रिशन दूसरा था नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का एग्जीक्यूटिव कमेटी तीसरा था नेशनल न्यूट्रिशन नेशनल न्यूट्रिशन काउंसिल जिसको कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हेड करते हैं अब ये नहीं मिल पाए बिकॉज ऑफ द पैंडमिक वैसे तो पैंडमिक के पहले भी कमी मिल रहे थे आ, आ, इनको क्वार्टरली एक बार मिलना था लेकिन ये ऐसा नहीं मिल रहे थे है ना अब यहां पे इसको याद रखिएगा ये जो ये आ, बिल्कुल मिसफॉर्चुनेट है ऐसा किसने कहा है चंद्रकांत एस पांडव ने कहा है चंद्रकांत एस पांडव ने कहा है है आयोडीन मैन ऑफ इंडिया चंद्रकांत एस पांडव फैक्ट याद रखेगा चंद्रकांत एस पांडव को आयोडीन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है अब नेशनल न्यूट्रिशनिशन दो हजार में लॉन्च हुआ था एंड इंडियन गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है पोषण अभियान भी कहा जाता है कुपोषण मुक्त भारत इसका एम है दो हजार तक इंडिया को मैल न्यूट्रिशन फ्री बनाना है दो तक इंडिया को मैल न्यूट्रिशन फ्री बनाना है और इसका एम देखो क्या है? ये ये टारगेट याद रखना टू रिड्यूस स्टंटिंग ंडर न्यूट्रीशन अनिमिया एंड लो बर्थ वेट बाय टू परसेंट टू परसेंट थ्री परसेंट एंड टू परसेंट मतलब स्टंटिंग को दो परसेंट से कम करना है मैल आपका अंडर न्यूट्रिशन को टू परसेंट से कम करना है अनिमिया को थ्री परसेंट पर ईयर कम करना है और लो बर्थ वेट को टू परसेंट पर ईयर करना है ये पर ईयर है ठीक है ना और uh, 2022 तक भारत को कुपोषण फ्री यानी कि आपका मेल uh, न्यूट्रिशन uh, फ्री बनाना है एंड रेस्ट का 50 परसेंट जो है वो सेंटर uh, से के बजटरी सपोर्ट से आता है तो ये भी आप याद रख सकते हैं तो आगे देखते हैं कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम को डिस्कस करना है यू कैन मूव विद मी इंडियन अमेरिकन नेम्ड यूएस आर्मी सी आई ओ अब इंडियन अमेरिकन राज्यम दस्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ द यूएस आर्मी आफ्टर द पेंटाकॉनिशन इन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी में पहली बार यह पोस्ट क्रिएट की गई थी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की और चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंडियन अमेरिकन राज अयर बनाए गए हैं फर्स्ट यूएस आर्मी फर्स्ट सीआईओ है यूएस आर्मी uh, का पहला सीआईओ है पोस्ट ही अभी क्रिएट की गई थी जुलाई दो हजार बीस में क्रिएट की गई थी और राज अयर को बनाया गया दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग

नहीं लगना चाहिए एंड इंडिया एक्चुअली क्या करता है इंडिया टू परसेंट है इंडिया ऑन थर्सडे सेट दू परसेंट इक्वलाइजेशन लेवी नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द यूएस कंपनीज एज इट अगेंस इक्वल टू ऑल द नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स तो इंडिया ने कहा कि हम दो परसेंट इक्वलाइजेशन लेवी लगाते हैं एक्चुअली टू परसेंट इक्वलाइजेशन लेवी लगाया जाता है डिजिटल सर्विसेज सर्विस टू परसेंट इक्वलाइजेशन लेवी बोलते हैं इसको ठीक है ना ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ सके सारी चीजें तो टू परसेंट की जो इक्वलाइजेशन लेवी लगा, लगा रहे इंडिया तो इंडिया का यह कहना

फाओ रिलीज कर रहा है इसको ठीक है ना एंड फाओ मेजर्स मंथली चेंज फॉर बास्केट ऑफ सेरल्स ऑयल सीड डेयरी प्रोडक्ट्स मीट एंड शुगर ओके तो सेरल्स ऑयल सीड डेयरी प्रोडक्ट्स मीट एंड शुगर इन सब के प्राइजेस को मंथली ट्रैक करता है फाओ और उसने बताया कि सातवें लगातार महीने जबकि प्राइजेस इंक्रीज हुए हैं ठीक है ना तो दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट चल रहा है तो अभी वैसे मैं अभी देख रहा था जस्ट थोड़ी देर पहले मैच तो उस समय आपका पांच विकेट गिर गए थे तो लेट्स सी क्या होता है इट्स अ गुड मैच लेट्स सी इंडिया शुड विन दिस मैच एंड सीरीज एज वेल सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होपी लेटर वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीप लविंग अस कीप शेयरिंग अस थैंक यू एंड हैव एन नाइस डे